दोस्तों आप सबके फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे इस YouTube चैनल को, क्योंकि इस तरह से बोर्ड व्यू, जिस तरह से हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में एक एक करके आपको अपडेट कराते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको मदरबोर्ड के सीरीज वगैरह के बारे में बताया, बहुत पुराना वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको देखना है तो आप उस पर सर्च करके आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के आइडेंटिफिकेशन कराया, उसका सेक्शन कराया, उसके बाद उसके सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू सारा कवर कराया। अब जो हमारा सीरीज चल रहा है बोर्ड व्यू का सीरीज चल रहा है कि बोर्ड व्यू में सारे सेक्शन कैसे आपको देखना है, कैसे चेक करना है। तो ऑलरेडी 3-4 वीडियो बोर्ड व्यू का बन चुका है और पिछले जो सेक्शन में हमने बनाया था वो आपको SV सेक्शन के बारे में हमने कंप्लीट आपको बताया था, बोर्ड व्यू में आप कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे और आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल हो गया, फिर आपका ई रिक्शा कंट्रोलर, अगर चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं USB सेक्शन। ठीक है, USB सेक्शन। अब जैसे 31 मदरबोर्ड हो गया, 41 मदरबोर्ड हो गया, 81 हो गया, 61 हो गया, 100 सीरीज के मदरबोर्ड हो गया, इन सब में कैसे आपका देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम 2-3 अलग अलग मदरबोर्ड का हम सीरीज वाइज जैसे देख लेंगे, जैसे कि हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड हो गया, तो ये 41 का मदरबोर्ड है, इसमें नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज दोनों है, तो इसमें कैसे होता है। फिर आपके 61 मदरबोर्ड हो गया, यहाँ पे देखेंगे, इसमें देख लेंगे, 81 में भी देख लेंगे, 170 मतलब 100 सीरीज का मदरबोर्ड है, इसमें भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 41 मदरबोर्ड में, इसी हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में, कि इसमें USB आपको किस तरह से होता है, कहाँ से सप्लाई आता है, इसके बीच में क्या क्या लगा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पे लगा हुआ है और कैसे है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे और आपको USB, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है। तो आपको करना क्या है कि अपने माउस का जो ये कर्सर है, इसको ये जो अलग अलग है ना, इस तरह से दिखा रहे हैं, यहाँ पे ले जाना है। जैसे ले जाएंगे ना वहाँ पे वो बता देगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी देखिए, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया बैटरी, यानी BAT, बैटरी का शॉर्ट फॉर्म होता है बैट, BAT। ठीक है, और पूरा कंटिन्यू हम लिखते हैं बैटरी। वैसे ही हम एक एक करके इन सब पे ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी कौन सा क्या है। इस तरह से अब इसमें हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने कंटिन्यू आपको बता दिया था कि उस पर कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम स्किप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड पर हमें देखना है, इसका व्यू डिटेल भी हमें देखना पड़ेगा। तो व्यू डिटेल देखने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, पिन इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं और हम अपना ये थोड़ा सा ये साइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमें लिखने उखने का थोड़ा सा होता है ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बोर्ड की डिटेल पे। ठीक है जी, अब हमें USB देखना है। तो देखिए USB जो होता है दो जगह होता है, एक आपके लैन पोर्ट के जस्ट नीचे होता है, मतलब लैन पोर्ट और USB दोनों होता है, एक सिंगल USB होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए आजकल जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो आजकल जो भी ये आ रहे हैं क्या PS2 में लोग यूज करते हैं? नहीं, आजकल जो भी आता है USB, जैसे कोई भी चीज़ है अब USB वाला मिल जाता है, इजीली प्लग एंड प्ले इजी होता है। ठीक है, तो हम USB पे देखेंगे, ये कौन सा है जी? PS2। देखिए यहाँ पर लिख दिया PS2, ये कौन सा है? BGA पोर्ट है हमारा, ये USB। देखिए यहाँ पर USB आ गया, यहाँ पे देखेंगे लैन, ऊपर जो आपका लैन, यहाँ पे USB है और यहाँ पे ये लैन है, ये दोनों एक ही में है, ये कौन सा है? ऑडियो पोर्ट है, जो ऑडियो कनेक्टर होता है, ये यहाँ पे HD ऑडियो उसका पैनल है। उसके बाद ये आपका होल हो गया, ये आपका है ऑडियो IC हो गया, ये भी एक BIOS IC है आपका, ऐसे ही ये पावर IC है। तो ऐसे ही ये अलग अलग यहाँ पे ये होल है, देखिए ना, H3, फिर यहाँ पे आ गए H2, यहाँ पे हो गया H1, ये होल हो गया। ठीक है, होल को H से डिनोट करता है। तो हम आते हैं USB पे कि USB क्या क्या चीज़ें
कौन कौन सी पिनें होती हैं इसमें कंटिन्यू, और ये आपका जो यूएसबी है किससे जुड़ा होता है, नॉर्थ ब्रिज से जुड़ा होता है कि सीपीयू सॉकेट से जुड़ा होता है कि आईओआईसी से जुड़ा होता है कि साउथ ब्रिज से जुड़ा होता है, ये प्रॉपर आपको इसमें देखने को मिलेगा कि उसके ट्रैक में क्या क्या लगा हो सकता है, क्योंकि जो यूएसबी 3.0 है उसमें थोड़ा सा अपडेटेड है, तो वो भी सारी चीज़ें जैसे कि हम ऊपर के मदरबोर्ड के सीरीज में जाएंगे तो उसमें हमें कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कवर करते हैं कि जो 3141 मदरबोर्ड होता है, हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड बोर्ड होता है, उसमें कैसे होता है और क्या क्या लगा हो सकता है। तो चलिए कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर कि इसके अंदर क्या क्या है, कितने पीने हैं। तो और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलिए जी इतना काफ़ी है हमें। देखिए एक यूएसबी, अब यहाँ पे जो यूएसबी का कनेक्टर दिया है ये आपको 8 पिन का है, कंप्लीट 8, मतलब 4 पिन का, एक का 4 होता है दूसरे का 4, यानी 2 यहाँ पे यूएसबी है और 8 पिन दिया हुआ है। इसमें 8 पिन में एक्चुअली क्या है, अगर आप मेरा मदरबोर्ड फॉलो अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे, हाँ सेमेस्टिक वगैरह में देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमने बनाया है। फिर मैंने और जो हमारा वीडियो देखे होंगे जो हमने डायग्राम खुद से बनाते हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर पिन, अब यहाँ पे पिन डिटेल की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्ट किए। अब यहाँ पे देखिए पिन, यहाँ पे दिखा रहा है पिन, अब यहाँ पे तो प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं इस कनेक्टर पे तो उसका पूरा डिटेल हमें मिल जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टोटल ये पूरे पिने हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो 5 नंबर पिन और 1 नंबर पिन, 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर 1 नंबर, ये सप्लाई वाले पिन हो गए, ये RX TX डाटा होता है और ये ग्राउंड होता है। अगर आप कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए, आपको पूरी कंप्लीट डीपली नॉलेज दिया जाएगा चीप लेवल का। अगर कार्ड लेवल भी करना है तो कार्ड लेवल भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टूल्स से रिलेटेड कोई सामान परचेज करना है, बायस प्रोग्रामर हो गया, डेबग कार्ड हो गया, SMD मशीन हो गया, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोर्स करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 पिन है, ठीक है, 2 USB है, 1 USB का 4 पिन है। तो हमें देखना है कि एक तो 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई जी, अभी 5 वोल्ट की सप्लाई आ कहाँ से रही है, नॉर्मल सी बात है कि 5 वोल्ट की सप्लाई आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो रेड वाला मार्किंग दिखा रहा है, ये जो रेड वाला मार्किंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 5 वोल्ट की सप्लाई जहां से भी आ रहा है कहां कहां जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए यूएसबी यहां पे भी है और यूएसबी लैंड पोर्ट वाले में भी है। तो यहां पे भी 1 नंबर 5 नंबर आपका 5 वोल्ट की सप्लाई हो गया और यहां पे भी 1 नंबर और 5 नंबर 5 वोल्ट की सप्लाई हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये पिन ग्राउंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 नंबर 8 नंबर को हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी 4 नंबर और 8 नंबर को हाईलाइट किया है। थोड़ा सा हम ऐसे दिखा देते हैं आपको, जैसे कि देखिए 4 नंबर ग्राउंड यहाँ पे लिख के आ गया, 8 नंबर पे भी देखिए ग्राउंड लेके आ गया, यहाँ पे भी 4 नंबर ग्राउंड लेके आ गया और 8 नंबर पर ग्राउंड लिख कर आ गया। अब इसमें 5 वोल्ट की कहाँ सप्लाई आती है, थोड़ा सा हम इसको जूम छोटा कर देते हैं क्योंकि जूम इस बोर्ड को छोटा करेंगे ना तो 5 वोल्ट कहाँ से निकला ये हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। अब पिन नंबर 1 पे हम क्लिक कर लेते हैं जी, और इसको जूम करके हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये हमें पता चले कि 5 वोल्ट आया कहाँ से। तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे हमें कहीं शो कर रहा है, यहाँ पे आसपास में कुछ लगा हुआ है, ये है USB पावर जम्पर, USB का जो जम्पर होता है। अब देखिए USB पे जो सप्लाई आने का प्रोसेस होता है, जंपर के थ्रू आ सकता है, किसी MOSFET के थ्रू आ सकता है, ट्रांजिस्टर के थ्रू आ सकता है या IC के थ्रू आ सकता है, कहीं से भी USB को 5 वोल्ट चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे लगा हुआ है जंपर, ये वाला पिन 5 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए USB पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 पिने हैं, इधर भी है इधर भी, 3 पिन का होता है। तो प्रॉपर देखिए अब यहाँ पर अगर आप चलाते हैं USB में, देखिए यहाँ पे एक पिन पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई आ रहा है, मतलब बोर्ड ऑन होने से पहले भी सप्लाई आ रहा है और बोर्ड ऑन होने के बाद भी इधर 5 वोल्ट आ रहा है। तो आप इसके साथ भी लगाएंगे तो आपका USB चलेगा और इसके साथ भी लगाएंगे तो आपका USB चलेगा, जंपर निकाल के फेंक दीजिएगा तो नहीं चलेगा। तो मोस्टली आप इसमें 1 और 2
एक दो को कनेक्ट करके रखिए या दो तीन को भी कनेक्ट करके रखेंगे तो चलेगा। अब देखिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, जो थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं और छोटा हो गया, यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। अब आप अगर क्लास वगैरह किए होंगे हमारे तो पता चला, आपको मालूम होगा कि 9 नंबर पिन पे स्टैंड बाई की सप्लाई आती है। 9 नंबर पिन पे, जैसे ही 9 नंबर पिन पे प्रॉपर ले जाएंगे 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे बनता है। तो डायरेक्ट एटीएक्स कनेक्टर से आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यूएसबी जम्पर पे जा रहा है। एक नंबर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नंबर पे हम देखेंगे कि कहाँ से सप्लाई जा रहा है, एक नंबर पे हम अगर क्लिक किए हैं तो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई किसकी, ये ATX कनेक्टर यहाँ पे देखेंगे तो ATX में अगर आप देखे होंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई 33 05 05, 4 नंबर 6 नंबर 21 22 23, इन तीनों पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होता, मतलब रेड वाला वायर से 5 वोल्ट की सप्लाई निकली और ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ गया, यहाँ से टर्न होके आपके ये चला जाता है कहाँ जी, यहाँ पे आया और यही सप्लाई यही बीच वाले से जम्पर जब लगाएंगे तो यही सप्लाई आपको टर्न होके आ जाएगा यूएसबी पे। कंप्लीट सप्लाई का प्रोसेस समझ गए, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो डायरेक्ट 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे जम्पर मार दीजिए, आपका यूएसबी दौड़ेगा चलेगा। हाँ, अगर डाटा सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यूएसबी में क्या क्या दिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो RX और TX रिसीव डाटा और ट्रांसफर डाटा में इसके बीच में क्या लगा होता है और ये ट्रांसफर डाटा जो डाटा को ट्रांसफर लेने देने का काम करता है कौन सा चिप करता है, ICH या GMCH या फिर आपका IO या CPU। ठीक है, अगर फ्रेशर हैं आप तो आपको मालूम होगा सारा चीज़ें, देखिए समझिए, अगर आप मे बी क्लास वगैरह कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा सारा चीज़ें, इसलिए हम दोनों चीज़ कवर करके चलते हैं कि सबको मालूम चले। अब चलिए यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे एक 6 पिन का यहाँ पे UD यानी एक डायोड, पैक डायोड लगा है, इसको हम IC के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, IC के नाम से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक क्लिक किया तो यहाँ पे U मतलब एक IC का ही रूप है और डायोड, ठीक है, 6 पिन का ये है, IC का रूप है, पैक डायोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पैक डायोड में आप बोलेंगे 3 पिन का होता है, नहीं, ये 6 पिन वाला भी एक तरह का डायोड ही होता है, अगर आप सेमेस्टिक वगैरह में देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। चलिए हम आते हैं डाटा पे जी, हमने यहाँ पे कलेक्ट किया और ये सीधे आके मिला यहाँ पे, इसके 3 नंबर पिन से मिला और ये जो 3 नंबर पिन है डायरेक्ट किससे मिल रहा है, कोई छोटा हो जाओ यार, मैं छोटा कर रहा हूँ, अरे ये देखेंगे ये पिन यहाँ पे आ गया और डायरेक्ट ये आपको आ गया जी कहाँ, साउथ ब्रिज पे, ये साउथ ब्रिज के J4 नंबर पिन से आपको कनेक्ट है। बाकी पिन हम थोड़ा सा और भी देख लेंगे, छोटा करते हैं तो यहाँ से हम इस पे भी देख लेंगे, 3 नंबर पिन पे कनेक्ट करते हैं, 3 नंबर इस IC के 4 नंबर पिन से कनेक्ट हुआ और यही फिर आपको टर्न होके J4 और J3 ये जो पिने हैं यहाँ पे देखेंगे कि J4 ठीक है और J3 ये दोनों पिने हैं, ये RX और TX डाटा को कंट्रोल करने के लिए, रिसीव डाटा और ट्रांसफर डाटा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एक और चीज़ है, ये तो दो, ये एक यूएसबी हो गया, दूसरा यूएसबी भी देखेंगे तो ये भी यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी देखेंगे ये भी 6 नंबर से जुड़ा है, तो मतलब कि 4 पिने तो इसकी जुड़ा हुआ है, 4 पिने 1 2 3 4 2 3 6 7 इस IC से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी 6 पिन का IC है, इसमें 4 पिन का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि ये तो जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है जी,
ये 6 नंबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो पहले मैं आपको बना लूं फिर समझाता हूं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये 6 पिन का आईसी है और इसका जो 4 पिन है ये इस पिन से जुड़े हुए हैं, बाकी 2 पिने क्या कर रहे हैं यहां पे? तो बाकी जो 2 पिन है, एक पिन इसका ग्राउंड होगा और एक पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। एक पिन इसका ग्राउंड होगा जी और एक पिन पे सप्लाई आएगी। जैसे यहाँ पे अभी जाएंगे, देखिए 2 नंबर पिन जो है इसका ग्राउंड है और 5 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पिन पे 5 वोल्ट यानी 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे आ रहा है इस आईसी को ऑपरेट होने के लिए। एक आईसी के रूप ले लिया है पर ये है डायोड, ठीक है। तो ये इसको ऑपरेट मतलब इसको चलने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है और इस डाटा को हम 2 तरह से इसमें आपको बोल सकते हैं कि इस डायोड को चलने डायोड में आ रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई और इस डाटा को हाई फ्रिक्वेंसी देने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है ताकि डाटा फास्टली ट्रांसफर हो सके, आ सके और जा सके, ठीक है। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूएसबी, ठीक है। अब ये यूएसबी आपको यहां पे भी है, देखेंगे ये वाला 5 वोल्ट की सप्लाई हो गया, 2 नंबर पिन देखिए, फिर यहाँ पे एक 6 पिन का एक आईसी लगा होगा। जो आजकल के लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं ना उसमें आईसी लगा होता है, और जो पुराने वाले मदरबोर्ड होंगे उसमें RX TX में आपको एक रजिस्टर मिलेगा, इस तरह से एक रजिस्टर मिलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आउट होगा, सीधे साउथ ब्रिज में चला जाता है। 3 नंबर ये भी यहाँ से जुड़ा है, ये भी यहीं से जुड़ा है और ये भी यहाँ से, ये सप्लाई यहाँ से टच होता है, टच होकर सीधे वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, आपके साउथ ब्रिज में चला जाता है। तो चलिए, तो ये भी आपका यूएसबी कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। यहाँ अब एक छोटा सा हम यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि कैसे आपको इसमें आपको देखिए कोई भी जब आप प्रैक्टिस करने, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, जब आप हमारा क्लास वगैरह करते हैं ऑफलाइन क्लास आगे क्लास में करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो रूम पे जाके ऐसे बैठ जाते हैं, तो उनके पास देखो सिस्टम होना चाहिए ताकि वो बैठ के प्रैक्टिस करें। अब जैसे हमने सारा चीज़ देख लिया, अब एक बार हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम यहाँ पर बनाने वाले हैं कि ये प्रॉपर किस तरह से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इरेजर ले लेते हैं, ठीक है जी, और ये हो गया। अब एक हम यहाँ पे यूएसबी का एक पिन बनाते हैं नॉर्मल, 1, 2, 3 और 4। एक नंबर पे क्या है जी, एक फ्यूज हो सकता है, ये फ्यूज का मैंने बनाया, पता नहीं सही बना है कि नहीं बना है, एस टाइप पे होता है कंप्लीटली ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, पोलराइज कैपेसिटर, वो मैं आपको उसमें नहीं दिखाया हूँ पर बता देता हूँ, ज़्यादातर जो होता है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, प्लस और माइनस, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। अब यहाँ पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई, ये आपका 5 वोल्ट डायरेक्ट ATX से आ सकता है या 5 वोल्ट आपका 5 वोल्ट SB भी आ सकता है स्टैंड बाई, वो थोड़ा सा लिखने में सही नहीं हो पा रहा, फाइव वोल्ट SB स्टैंड बाई, 2 तरह के सप्लाई यहां पे इन कर सकता है। अब दोनों में से कोई यहां पे दीजिए, ये आपको चलेगा। जो 4 नंबर होता है ये ग्राउंड होता है GND। यहां पे एक चिप में बनाता हूं, ठीक है, इस तरह से कुछ खास, इस पे हम लिख देते हैं ICH यानी साउथ ब्रिज,
या फिर पी सी एच, आई सी एच या पी सी एच। अब जो पुराने वाला था उसका मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। पुराने वाले में क्या होता था, बीच में एक रजिस्टर लगा होता था, ठीक है, फिर ये सीधे आपको आके इससे जुड़ जाता था। अब बीच में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा दिया जाता था फिल्टर के लिए, ठीक है। अब इधर आपका माइनस हो गया, इधर पॉजिटिव इसका पिन हो गया, क्योंकि इसको किसके साथ पैरलर में लगाया जाता था, एक पिन इस सिग्नल वाले में और दूसरा पिन ग्राउंड के साथ। इसमें भी सेम वैसा ही होता था, एक रजिस्टर लगा दिया जाता था, फिर ये आके आपको यहाँ पे जुड़ता था, और इसके साथ भी एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा दिया जाता था फिल्ट्रेशन के लिए, सिग्नल को फिल्टर करने के लिए, और इधर ग्राउंड हो जाता है इस तरह से। अब जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं उसमें क्या अंतर है वो देखना है। इसमें क्या हो रहा है कि एक इस तरह से डायोड में आपको मिलेगा, एक पिन, दो पिन, तीन पिन, चार पिन, पांच पिन, छह पिन, तो ये एक नंबर पिन, ठीक है। अब एक यूएसबी है, अगर दूसरा यूएसबी भी यहाँ पे होता तो बाकी पिनें कवर करता, तो एक तीन नंबर पिन इससे जुड़ा, ये आके टर्न होके इनसे मिल गया, कुछ नहीं करना है। दो नंबर पिन आया, टर्न होके इनसे मिला, यहाँ से आके यहाँ इससे मिल गया। ये अब यहाँ पे एक पाँच वोल्ट की सप्लाई बनेगा इस पिन पे, और एक पिन ये आपका क्या हो जाएगा जी, ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड वाला हो गया। बाकी बचा है, तो अगर दूसरा भी यहाँ पे यूएसबी होता, जैसे कि उसमें एक दो तीन चार, तो ये चार नंबर इससे जुड़ जाता, ये एक नंबर पाँच वोल्ट जुड़ जाता, बाकी फिर इसका ये पिन इससे जुड़ता, और फिर ये आपका आके इनसे मिल जाता, फिर ये तीन नंबर पिन आता यहाँ पे जुड़ता, और इससे आके फिर इससे मिल जाता। अब क्या हुआ कि जो पिछले भी आप जिस सेक्शन में बताया था कि जो आर एक्स टी एक्स वाला डाटा है, जैसे कि मैंने बनाया था कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर देख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक बना देता हूँ, दो और तीन, चार नंबर ग्राउंड है, एक नंबर सप्लाई वाला है, दो नंबर में क्या होता है रजिस्टर होता है, और फिर ये आके आपको आईसी के साथ मिल जाता है, और इसके साथ में क्या होता है पुराने वाले में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा देता है जी, फिल्ट्रेशन के लिए, सिग्नल फिल्ट्रेशन के लिए। अब जो यहाँ पे ये कैपेसिटर सिग्नल को फिल्टर कर रहा था, अब ये डायोड इस सिग्नल को आर एक्स टी एक्स जो सिग्नल है उसको फिल्टर करके और हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जा रहा है, और यहाँ पे कोई वोल्ट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्वेंसी और फिल्टर होने के बाद चलता था, इसलिए यहाँ पे जो यूएसबी था वो आपको स्लो काम करता था, डाटा जो एक घंटे का था वो दो घंटे में ट्रांसफ़र होता था। बाकी जब ये 3.0 आ गया तो इसमें कुछ क्या हो गया कि यहाँ पे फास्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं जल्द से थोड़ा सा दूसरा हम देख लेते हैं 61, 81 और 100 सीरीज का मदरबोर्ड में, फिर हम अपने इस क्लास को अभी कंप्लीट इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इतना सारा मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं, और आप लोग सिर्फ वीडियो देख के इग्नोर कर देते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखिए और इसका आनंद लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करिए। अगर आपको चिप लेवल कोर्स वगैरह करना है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल का, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे ज़रूर कॉल करिए, ठीक है। तो चलिए अब हमने जो मदरबोर्ड लिया है अभी 61 मदरबोर्ड लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं जी, ठीक है। अब हमें डिफरेंस हमें देखेंगे, अगर कुछ डिफरेंस नहीं होगा तो तुरंत हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। तो ये पीसीएच वाला बोर्ड है। अब जो हम पहले जो बोर्ड लिए थे वो क्या था, आईसीएच यानी साउथ ब्रिज वाला बोर्ड ले लिए थे हम। अब जो हम बोर्ड लिए हैं पीसीएच वाला यानी पीसीएच आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड लिए हैं, और इसमें कंप्लीट ये आपका यूएसबी है जी। यूएसबी पे अब यहाँ पे देखेंगे कि एक नंबर पिन जूम हो जाओ यार थोड़ा सा, ये
ये है एक नंबर पिन, एक नंबर पिन पे यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये बीच में क्या लगा हुआ है जी, एक फ्यूज लगा हुआ है। जैसे अभी हम आपको बताए थे डायग्राम में कि एक फ्यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए एफ 11 लिख दिया, मतलब कि फ्यूज है। और फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है आपको 5 वोल्ट डुअल सप्लाई, यानी ये किसी न किसी मॉस्फेट से होके सप्लाई यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट की सप्लाई उस मॉस्फेट पे जा रही है, और उस मॉस्फेट से जो 5 ही वोल्ट निकल रहा है तो इस फ्यूज पे आ रहा है, फ्यूज से निकल के फिर आपको ये सीधा जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि लाइन में भी यूएसबी है और यहाँ पे भी यूएसबी है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई फिर देखेंगे कि ये यहाँ पे एक डायोड लगा है, देखिए यूडी वहाँ पे भी था, यूडी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 41 वाला लेटेस्ट वाला बोर्ड था, पिछला वाला जो वीडियो है तो 61 का है, तो उसमें भी अपडेटेड वाला ही दिया है, इसमें भी सेम कंडीशन है आई थिंक। देखिए ये फिर 4 नंबर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और यही पिन सीधे आपको आके पीसीएच से जुड़ गया है, तो लगभग सेम ही है, ठीक है। उसमें साउथ ब्रिज से जुड़ रहा था और इसमें पीसीएच, पीसीएच वाला बोर्ड है तो इसमें सारा काम पीसीएच ही करता है। तो चलिए हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि सेम टू सेम है, तो फिर टाइम वेस्ट करने को ये नहीं है। फिर हम दूसरा ले लेते हैं, 61 तो हम देख लिए हैं, 81 देखते हैं, ठीक है। इसको घुमा दिए हैं और थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको टर्न करते हैं, ठीक है। हमने इसको टर्न कर लिया है, और यहाँ पे देखेंगे USB 3 यानी USB 3.0, वो जो था 2.0, क्योंकि USB 2.0 से भी थोड़ा सा पहले वाला था जिसमें रजिस्टर वगैरह लगा होता है, उसके बाद जो थोड़ा सा अपडेट किया तो उसमें डायोड को लगा दिया। डायोड यहाँ पे भी होगा पर यहाँ पे USB 3.0, आइए हम इसमें देखते हैं कितने पिनें होती हैं टोटल, USB 3.0 में कितने पिनें होती हैं टोटल और किसके लिए होती हैं। अब इसमें USB 3.0 में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही ट्रैक था जिसमें जो इसका प्लस माइनस यानी RX प्लस और RX माइनस एक ही ट्रैक पे रन कर रहा था, पर इसमें क्या होता है कि RX प्लस अलग होता है, RX माइनस अलग हो जाता है, TX प्लस अलग हो जाता है, TX माइनस अलग होता है। जब अलग अलग, सिंपल सी बात है कि जब आप ट्रैफिक पे चलते हैं, ट्रैफिक पे जब गाड़ी को आप रन कराते हैं तो सिंपल से कि वन वे होगा तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, पर वही अगर अलग अलग ट्रैक कर दिया जाए, अलग अलग जैसे कि एक साइड से गाड़ी जाएगी और एक साइड से आएगी, जब अलग अलग ट्रैक होगा तो लाजम है कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे एक नंबर पिन पे फिर 5 वोल्ट की सप्लाई रन करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई पहुँचने वाला है। उसके बाद 2 नंबर पिन जो है आपका, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि P0 आपका कनेक्ट हो गया इस डायोड से, 3 नंबर जी इसी डायोड से कनेक्ट हो गया, 4 नंबर पिन जी ग्राउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पिन यहाँ पे है, देखिए RX N1 आ गया, ये देखिए यहाँ पे एक अलग से एक ये लगा हुआ है डायोड, एक तो डायोड ये है, ठीक है। और ये जो 5 नंबर 6 नंबर RX ये ग्राउंड है आपका, सॉरी 7 नंबर ग्राउंड है, 8 नंबर TX हो गया और 9 नंबर TX प्लस हो गया। और ये देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 USB लगे हुए हैं, ये तो आपको लगा हुआ है, ये पिछले वाले में भी लगा था, 2.0 में भी लगा था, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे IC लगा हुआ है। कितने पिन का है जी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे टोटल 10 पिन का एक IC लगा हुआ है, यहाँ पे इसका हमें डिटेल मिल गया, देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हमें इसका डिटेल मिल गया है, जैसे कि देखेंगे TX P1 TX N1, ये अलग अलग इस सिग्नल का नाम है RX TX। तो 3.0 में ये चीज़ें बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 3.0 अगर आपका USB ख़राब होता है तो अगर सिर्फ आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई अगर देखते हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5 वोल्ट की सप्लाई आएगा। प्लस ये चीज़ आपको देखना है क्योंकि ये अगर ख़राब हो गया तो आपका USB डिटेक्ट करेगा, बाकी डाटा को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, ठीक है, डाटा को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। इसको हम ESD भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ESD भी बोलते हैं। तो एक USB के लिए ये लगा हुआ है और दूसरे USB के लिए ये लगा हुआ है। तो आप अगर आपके पास 3.0 वाला है तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये 2 IC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आजकल जो लेटेस्ट आपको USB वाला आ रहा है, USB आ रहा है उसमें आपको मिलेगा देखने को, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ये भी हम देख लेते हैं कि जुड़ा किससे होता है,
ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ, सॉरी ये कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, और ये जो कैपेसिटर है किससे जुड़ा है जी, पीसीएच से। आगे तो अब इसका जितना हमारा जितना भी पिन होगा ये सब क्या होंगे जी, ये तो ग्राउंड हो गए ठीक है, ये टीएक्स 6 नंबर से जुड़ा है और 6 नंबर सेम टू सेम डायरेक्ट जुड़ा है। तो इसकी कुछ पिने क्या हैं जो डायरेक्ट जुड़ के और डायरेक्ट चले गए हैं वहाँ पे, और कुछ जो पिने हैं जो यहाँ से कनेक्शन यूएसबी से कनेक्शन इस आईसी पे आया है, और इस आईसी से कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से फिर टर्न होके आईसी पे। तो ये दो तीन तरीके होते हैं। अगर आपको 3.0 है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर 2.0 है थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको उस टाइम अगर 3.0 आपका है तो आपको ये यूएसबी पिन के अलावा आपको इन पे भी ध्यान देना होगा और इस पे भी ध्यान देना होगा। अगर आपका 2.0 है, अगर 2.0 है तो आपको पिन के अलावा इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खराब हो गया तो आपका यूएसबी काम नहीं करेगा। बाकी 3.0 में अगर ये खराब हो गया या ये भी खराब हो गया या कैपेसिटर खराब हो गया तब भी आपका प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आपको देखिए, जब फैसिलिटी मिलता है तो मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको फैसिलिटी मिला यानी स्पीड बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ एक कैपेसिटर लगा दिया, एक ऐसी लगा दिया, एक भी ऐसी लगा दिया, तो जितना इस पर कॉम्पोनेंट बढ़ा इसलिए स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एक बोर्ड देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लें। कोई कहेगा कितना बोलता है, ये 100 सीरीज का एक मदरबोर्ड हम ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, ये 100 सीरीज का मदरबोर्ड, इसमें भी यूएसबी 3.0 दिया है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि क्या उसके जैसा ही इसमें भी वो लगे हुए हैं आईसी 8-10 पिन के जो दिख रहे थे। तो देखेंगे कि यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और ये भी आपका 6 पिन वाला भी लगा है, और ये 10 पिन वाला भी लगा है, और ये इसी के लिए लगे। फिर अगर हम बोलेंगे कि लैन में भी है 3.0 वाले, यूएसबी 3.0 वाले, तो इसके लिए भी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लगे हैं, अच्छा दूसरे के लिए ग्राउंड है, सॉरी यहाँ पे लगे हैं, ठीक है जी यहीं पे हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ। अब यहाँ पे भी दो लाइन में भी दो यूएसबी हैं 3.0, तो इनके लिए देखिए एक के लिए यहाँ पे लगा हुआ, एक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, और इन सब के लिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये है प्रॉपर वही। तो कंप्लीट अगर आप 3.0 को रिपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम भी अच्छा देना पड़ेगा। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर सीसीटीवी मोबाइल एलसीडी एलईडी का आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, जो ये स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है यहाँ पे देखेंगे 9771652291, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स इंक्वायरी के लिए, या आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाइए, कमेंट ज़रूर करिए।